Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. This is the chapter based on when, where and how, class 7th, chapter 1 from footprints. This is the part 2nd of this chapter. We shall read about the archaeological source of history in detail. As we study the various rulers and dynasty in the medieval Indian history and the architecture of people in this book. हमने अभी तक archaeological source पढ़े हैं और हमने पढ़ा है rulers और dynasties को जो medieval Indian history में होते थे और उनके architecture period को. Let us first glance through the literary source of medieval Indian history. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? Literary sources of medieval Indian history. You shall also engage with excerpts for some of these literary sources in this book. आप कुछ portion या part भी पढ़ेंगे literary source का इस book में. Literary sources of medieval Indian history. Literary source medieval Indian history के. ये आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रोट क्रॉनिकल्स, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड रॉयल डिक्रीज के बारे में है. पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदई, ये है आपकी बायोग्राफी. मैंने आपको बताया था कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क होता है. बायोग्राफी वो होती है जो दूसरों के लिए लिखी जाती है और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम अपने लिए खुद लिखते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को की बुक लिखी थी चांद बरदई ने और ये क्या बन गई? बायोग्राफी. किसके ऊपर थी ये बुक? राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान के रीजन के ऊपर थी. हिमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने. तो हिमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने और ये फिर क्या बन गई थी? बायोग्राफी. क्योंकि ये बुक लिखी गई थी, किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा. और इसमें बताया गया है रीजन ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं का. बाबर नामा ऑल्सो नोन एज तुजुक ई बाबरी, ये बाबर नामा जो है वो खुद बाबर ने लिखी होगी इसलिए ये क्या बन गई आपकी? ऑटोबायोग्राफी. Reveals the detailed attention the Mughal Empire Babur paid to the flora and fauna of Hindustan. जब Mughal Empire Babur ने attention दिया था किसको? Flora और fauna के sector को हिंदुस्तान में. ये book उस पर है. तुजुक ई जहांगरी, ये आपकी है तुजुक ई आई जहांगरी autobiography. Provide a fascinating insight into the court politics of the period and provide details of Jahangir's personal life. Jahangir ki personal life ke bare mein aur unke court politics ke bare mein is kitab mein mention hai. Futuhat I Firoz Shahi. Futuhat I Firoz Shahi. Ye hai aapki autobiography. Aur ye kisne likhi hai? Sultan Firoz Shah Tughlaq. तुगलकबाद में बहुत बड़ा किला है दिल्ली में. अब्द अल कादिर बुदानी, मुंतखब उत तवारीख और सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स. क्रॉनिकल्स वो होते हैं दस्तावेज जो कोर्ट्स में लिखे जाते हैं. जैसे अब हम बोलते हैं उसको गवर्नमेंट पेपर, सरकारी दस्तावेज, तब उस समय वो कोर्ट क्रॉनिकल्स होते थे. तो ये क्या बन गया आपका? कोर्ट क्रॉनिकल्स. सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स और है ना, तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स या आप अब अल कादिर बदानी मुंतखब उत तवाकीर, ये है आपके रीजन बाबर का, हुमायूं का और अकबर का. बरानी तारीख ई फिरोज, फिरोज शाही या इसको हम बोलते हैं फिरोज शाह हिस्ट्री, ये आपके हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स जिसने डिस्क्राइब करा है हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की. रजत तारंगिनी बाय कालहाना, ये आपकी बाय है ना, तो बाय मतलब कालहाना के द्वारा लिखी गई, तो ये क्या है आपका? कोर्ट क्रॉनिकल है और इसमें हिस्ट्री बताई है रूलर कश्मीर की. तो रजत तारांगिनी आपका कश्मीर का रूलर था जिसने कालहाना ने उसके रीजन के या हिस्ट्री बताई है उसके बारे में.
अब्दुल फैजल अकबर नामा, अब्दुल फैजल अकबर नामा, ये आपका कोर्ट क्रॉनिकल है जो रिकॉर्ड है अकबर रीजन के और उसके कोर्ट्स के हिस्ट्री के बारे में। और थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबर नामा है ये, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अंडर, ठीक है, आपका अकबर रीजन का है ये कोर्ट हिस्टोरियंस। एन ई अकबरी आपका कोर्ट क्रॉनिकल है जो थर्ड वॉल्यूम है अकबर नामा का, और उसने डिस्क्राइब करा है एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के अंडर, और स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट भी दी है इस एम्पायर के बारे में। रिहला बाय इब्न बतूता, रिहला बाय इब्न बतूता, ये आपका फॉरेन ट्रैवलर था, और फॉरेन ट्रैवलर कहाँ का था, मोरक्को का, जिसने इंडिया को विजिट करा था तुगलक के रूल, तुगलक जब रूल करता था उस समय, और इसने ज्योग्राफी भी बताई है इंडिया की। अल बिरूनी तारिक अल हिंद फॉरेन ट्रैवलर था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसने 146 बुक्स लिखी थी इंडिया के रीजन्स के ऊपर। अल बिरूनी अकम्पेन्ड मोहम्मद गजनी ऑन हिज कैंपेन इनटू नॉर्दर्न इंडिया एंड लेफ्ट एन अकाउंट। अल बिरूनी ने मोहम्मद गजनी, मोहम्मद ऑफ गौरी जब आए थे स्टार्टिंग में तब उसके साथ आए थे। द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा है ये, और ये आपका लिखा गया है अतन नुसिन निकितिन ट्रिप टू इंडिया। मिराट उल मामलिक और द मिरर ऑफ कंट्रीज, द मिरर ऑफ कंट्री मतलब शीशे कंट्रीज के, फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई है ये। सिद्धि अल रियास ओटोमैन था, एडमिरल हु ट्रैवल टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, और भी बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बताया है। संस्कृत प्रशाति, प्रशाति होती है राजा की प्रशंसा, रॉयल डिक्री है ये, और प्रेज है दिल्ली सल्तनत बलबन की। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है कि बहुत सुंदर सुंदर कर्सिव राइटिंग में कुछ लिखना। कैलीग्राफी और द आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स इन आर्टिस्टिक मैनर वाज अ कॉमन फीचर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो कैलीग्राफी है कॉमन फीचर था मैन्युस्क्रिप्ट का जो मेडिवल इंडिया में लिखा जाता था। फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक मोटिव्स वर यूज्ड टू डेकोरेट बुक, तो आपके जो फ्लोरल और ज्योमेट्रिक मोटिव्स हैं उनको यूज किया जाता था बुक्स को और मॉन्यूमेंट्स को सजाने के लिए। ऑल्दो द नॉलेज ऑफ कैलीग्राफी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन इंडिया, पर्शियन इन्फ्लुएंस लेड टू द राइज ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। जबकि ये कैलीग्राफी हमारी इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट थी, लेकिन जब पर्शियन आए हमारे इंडिया में तो उन्होंने इस कैलीग्राफी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा और राइज में ले गए। और ये पेज आपको मिला है बाबर नामा से। ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। बिफोर वी डेवलप डीपर इन टू द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, लेट अस ट्राई एंड गेन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। हम इसे पहले की कॉम्प्लेक्स डिटेल पढ़े मेडिवल इंडिया की, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंज। द मेडिवल पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स थ्रू आउट द कंट्री। जो मेडिवल पीरियड है उसमें क्या हुआ था, जो आपके रीजनल किंगडम्स थे वो क्या हो गए थे, उभर कर आने लग गए थे। An important group of people rose to prominence during this period, primarily as warriors and kings in North and Central India. बहुत सारे groups आए थे, लेकिन उनमें से जो warrior और kings थे North और Central India के, वो primarily prominence हुए थे। These people were called Rajput, derived from Rajputra or the son of ruler. यहाँ पे ये वाले जो लोग थे वॉरियर्स और किंग्स नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के, उनको बोला गया राजपूत, और राजपूत वर्ड आया राजपुत्रा से, द सन ऑफ रूलर से। द राजपूत क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो राजपूत थे वो वॉरियर्स थे और आपके
चार तरह के वर्ण होते हैं, उसमें क्षत्रिय वर्ण आपका वॉरियर्स में आता है। फोर क्लैंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। क्लैंस का मतलब होता है कुल, कि किस कुल में जन्म लिया। तो जो फोर क्लैंस थे, जो फोर कुल थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हिस्ट्री में, और वो है पराथिहार्स, पराथिहार्स हारास और चौहान, सोलांकीस और पवार, जिनको हम परमार्स भी कहते हैं। दीज क्लैंस वर देमसेल्फ द अग्निकुल। इन क्लैंस ने अपने आप को क्या बताया, अग्निकुल का। क्यों? बिकॉज दे क्लेम टू हैव ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए सैक्रिफाइशल फायर कंडक्टेड बाय अ सेज वशिष्ठा ऑन माउंट आबू। क्योंकि वो ये मानते थे कि जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने माउंट आबू पे जब हवन ववन करा तो उसमें से डायरेक्ट उत्पन्न हुए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द अराइवल ऑफ द तुर्क फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड सेटिंग अप ऑफ मुगल एम्पायर वेयर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ द पीरियड। एस्टैब्लिश हुआ दिल्ली सल्तनत कब? आफ्टर द अराइवल ऑफ तुर्क, जब तुर्क आ गए थे कहां से, नॉर्थ वेस्ट से। और सेटिंग ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर सेट हुआ था विद इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द पीरियड। मुगल एम्पायर सेटल हुआ था इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ। द कस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू नोबल्स बाय द रूलर इन रिटर्न फॉर रेगुलर ट्रिब्यूट्स एंड मिलिट्री हेल्प वाज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड ऑफ द पीरियड। तो वहां पे क्या होता था, जब राजा लोग महंतों को या किसी को लैंड देते थे, लैंड ग्रांट करते थे, तो उसके बदले में वो ये बोलते थे कि जब भी हमें मिलिट्री की हेल्प पड़ेगी या मॉनिटरी हेल्प पड़ेगी तो वो आप हमें देंगे। द इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेंड ऑफ मेडिवल एज इंक्लूड द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ न्यू कास्ट। जो सोशल ट्रेंड मेडिवल इंडिया का था, एज का था, वो क्या था, उसने क्या करा था, इंक्लूड करा था, इंक्रीज करे थे नंबर ऑफ न्यू कास्ट। राइज ऑफ ट्राइबल ग्रुप विद देयर ओन डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी एंड कस्टम्स एंड ए शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन रूलर एंड अर्बन एरिया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सोशल ट्रेंड हुए थे मेडिवल इंडिया में, वो था कि एक तो नई नई कास्ट राइज होने लग गई, और जो राइज थे ट्राइबल ग्रुप्स के, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ ही रेज हुए और अपने कस्टम्स के साथ, और यहाँ पर रूलर और अर्बन एरिया का भी डिस्टिंक्शन होने लगा। द फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए मोर सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वर द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ द मेडिवल इंडिया। तो इकोनॉमिक ट्रेंड क्या था यहाँ पे, कि बहुत सिस्टमेटिकली लैंड रेवेन्यू भी आने लग गया था। द पीरियड ऑल्सो विटनेसेस ए रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म। और जो ये पीरियड है मेडिवल इंडिया है, वो विटनेस है रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म का। Religious reforms in the form of bhakti and Sufi movement were major development of the period. Religious reform हुए किस उसमें form में, bhakti और Sufi movement के form में। Architecturally distinctive styles and technology rose. Architecture के हिसाब से, styles के हिसाब से और technology के हिसाब से भी अलग अलग चीजें और अलग अलग buildings आपकी बनाई गई। My experience इन हिंदुस्तान बाय सिदी अली रियाज, मिरात उल ममलीक। एज सून एज हिमायू हर्ड ऑफ आवर अराइवल, ही सेंड द कानी खानान एंड अदर सुपीरियर ऑफिसर्स विद 400 एलिफेंट्स एंड सम 1000 मेन टू मीट अस, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर आवर ग्लोरियस पदिशाह, वी वर अकॉर्डेड अ ब्रिलियंट रिसेप्शन। That same day, the Khani Khanan prepared a great banquet in our honor. And as it is the custom in India to give audience in the evening, I was that night introduced with much pomp and ceremony in the Imperial Hall. After my presentation, I offered the emperor a small gift and a chronogram upon the contest of India. Also two gazelles, all of which pleased the Padishah greatly. तो क्या हुआ था कि जब सिदी अली रियास मिरात उल ममलिक आया था,
तो 400 एलिफेंट्स और बहुत सारे आदमियों को भेजा गया। शाम को फिर पार्टी हुई जैसे, तो उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पे उन्होंने एम्परर को गिफ्ट भी दिया जिसमें क्रोनोग्राम था कॉन्टेस्ट इंडिया के बारे में और दो गेजल्स भी दी थी। द सोर्स कहाँ से मिला ये वाला इसका, द सेक्रेट बुक एंड द अर्ली लिटरेचर ऑफ ईस्ट। What was happening elsewhere? The Renaissance was a culture movement that took place between the 14th and 17th century, beginning in Italy and gradually spreading to rest of Europe. तो Renaissance आपका एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने 14th से 17th सेंचुरी में अपनी स्टार्ट किया और ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, इटली से, और ग्रेजुअली ये स्प्रेड हो गया था यूरोप तक। Renaissance is a French word which means rebirth or revival. Renaissance आपका क्या है, एक तरह का French word है और इसका मतलब क्या होता है, rebirth मतलब वापस जन्म लेना या किसी चीज जो मर गई है उसको वापस जिंदा करना। The movement encompassed the growth and the development of vernacular literature, introduce of more natural technique in painting and gradually reform in education. तो ये किस लिए आया था, ताकि लिटरेचर में न्यू टेक्निक्स को लाया जाए, नेचुरल टेक्निक्स जैसे पेंटिंग्स और ग्रेजुअली रिफॉर्म्स हो गया था ये एजुकेशन में। लियोनार्डो द विंची, रफेल एंड माइकल एंजेलो आर द फेमस पेंटर ऑफ दिस फेस। और ये जो नाम है ये क्या थे, उस जमाने के फेमस पेंटर थे। अ न्यू मेथड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म। जो न्यू मेथड होता है लर्निंग का उसको हम कहते हैं ह्यूमैनिज्म। वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिनेंस इन विच एशियन टेक्स्ट वर स्टडी एंड अंडरस्टूड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग एंड एम्पिरिकल एविडेंस। तो रिनॉन्स ह्यूमैनिज्म क्या था, आपका नया नया मेथड लर्निंग का। और वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिनॉन्स मतलब जब इंट्रोड्यूस हुआ रिनॉन्स में, जिसके अंदर क्या थे, एशियन टेक्स्ट थे जिनको पढ़ा जाता था और अंडरस्टूड किया जाता था कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग और एम्पिरिकल एविडेंस से। या आपके चैप्टर टिक्स हैं कि आपको क्या क्या समझ आया है। तो मेडिवल पीरियड इन इंडिया लास्ट रफली 700 टू 750 CE एंड इट वॉज सब डिवाइडेड इंटू अर्ली एंड लेट मेडिवल पीरियड। सो वी हैव डन इन द फर्स्ट पेज ओनली। India has been also known by different name, Bharat Varsha, Aryavarta, Hindustan, Jambudeep, Hind. Inscription, coins, monuments, sculptures, paintings are the archaeology source used to reconstruct the history of period. ये सारे आपके क्या थे, archaeological source थे। Court chronicles, biography, autobiography, text on music and travelers accounts from the literary source of medieval Indian history. हमने पढ़ा था बाबर नामा, हुमायूं नामा, अलबरूनी का, इब्न बतूता का, ये सारे आपके क्या थे, foreign travel, court chronicles, biography, autobiography. The medieval period in Indian history had unique political, economic, social and cultural trend. तो आपने ये पढ़ा था कि जो मेडिवल पीरियड में जो इंडियन हिस्ट्री के थे उसमें यूनिक था इनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स। द नेम फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड था हिंदुस्तान। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे हिस्ट्री के वो थे मॉन्यूमेंट्स। अ लिटरली सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, लिटरली सोर्स आपके हिस्ट्री के क्या थे, ऑटोबायोग्राफी। द टाइप ऑफ पेंटिंग मीन्स जो पेंटिंग थी, नटराज की आपकी स्कल्पचर था, दोहा आपका सेंट की सेइंग थी और मिनिएचर्स आपकी पेंटिंग थी, मूरल्स एंड मिनिएचर्स। द ऑथर ऑफ तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद लिखी थी अल बरूनी ने, ये फर्स्ट पेज पर है आपका। सुजुकी ई झांगरी आपका ऑटोबायोग्राफी है। द फॉरेन ट्रैवलर इब्न बतूता कहां से चला था, मोरक्को से।
कॉमन फीचर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन मेडिवल पीरियड कैलीग्राफी. अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन मेडिवल पीरियड वॉज राइज इन दिस ग्रुप राजपूत राजपुत्रा द सन ऑफ रूलर्स. द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन अ सिग्निफिकेंट मेडिवल इकोनॉमिक ट्रेंड. अगर आप यहां पे देखें तो हमारा ये था. इंट्रोडक्शन ऑफ मोर सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विद अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रेंड. These questions are going to upload very soon. If you like the way as I am teaching, so like it and subscribe my YouTube channel, Education for Kids.